वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। दिस इज एएसपी डॉट नेट एमवीसी ट्यूटोरियल और आप देख रहे हैं पार्ट 20 पार्शियल व्यूज इन एएसपी डॉट नेट एमवीसी। तो पीपल वाचिंग दिस वीडियो प्लीज वॉच माय प्रीवियस पार्ट्स 16 17 18 एंड इन दिस ट्यूटोरियल आप ये लर्न करेंगे कि द पार्शियल व्यू इज द रीयूजेबल व्यू। पार्शियल व्यू क्या है? एक रीयूजेबल व्यू है। आप एक ही बार बनाओ और सभी जगह पे आपको जितना जितना चाहे इतना व्यू में आप इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ व्यू कंटेंट एंड अलो व्यू एलिमेंट्स टू बी रीयूज। फिर बार बार आप इसका यूज कर सकते हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट से आप बच सकते हैं। तो पार्शियल व्यूज ऑल्सो हैव डॉट सी एस एचटीएमएल एक्सटेंशंस। तो ये जो भी पार्शियल व्यू बनता है उसका एक्सटेंशन नेम भी डॉट सी एस एचटीएमएल है, जैसे कि व्यू का होता है। ठीक है, तो कैसे पार्शियल व्यू को कॉल करते हैं? तीन तरीके हैं। @html.partial पार्शियल व्यू का नाम दे दीजिए और उसका आईडी पास कर दीजिए। सेकंड वे है @html.renderPartial और पार्शियल व्यू का नाम देना है और मॉडल पास कर देना है, अगर मॉडल है तो, नहीं है तो नहीं पास कर सकते। और @html.renderAction जिसमें मेथड नेम रहेगा, कंट्रोलर नेम रहेगा और आपका जो मॉडल रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो लेट्स चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर और देखते हैं कैसे कोडिंग किया जाता है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो डिलीट डेटा टेबल में रिकॉर्ड डिलीट किया था। ओके, उसको देख लेते एक बार। हमने ये डिलीट बटन क्रिएट किया था और कंफर्म करने पे रिकॉर्ड डिलीट हो रहा था, राइट? तो टुडे हम पार्शियल व्यू के बारे में देखते हैं। अब पार्शियल व्यू में क्या है कि सपोज ये एक मेरे पास पार्शियल व्यू है, व्यूज में शेयर फोल्डर, ये शेयर फोल्डर में लॉगिन पार्शियल, सो इसका मैं यूज करूंगा और इसे मैं डिस्प्ले करूंगा अपने इंडेक्स पेज में। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे फॉर्म के ऊपर हम इसे पास करते हैं। तो @html.partial और पार्शल नेम। ओके, पहला तरीका देखते हैं। इसमें मैं पार्शल का नाम क्या है? लॉगिन पार्शल। तो मैं ये पास कर देता हूँ लॉगिन पार्शियल। ओके, तो देखते हैं इसको रन करके। ये जो लॉगिन पार्शियल है मुझे फॉर्म के ऊपर दिखना चाहिए। तो ये मेरा पार्शियल व्यू आ गया टेबल के ऊपर। ओके, ये फॉर्म डेटा टेबल के ऊपर और ये पार्शियल व्यू में रजिस्टर टेबल है और लॉगिन टेबल है। ये दोनों फॉर्म्स लॉग इन पार्शियल में है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह हम यूज करते हैं दूसरा @html.renderPartial और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे नेम ऑफ द पार्शियल व्यू एंड द मॉडल। बट हमारे केस में अभी मॉडल नहीं है तो क्या करेंगे, इसे छोड़ देते हैं और जस्ट @html.renderPartial और ये जो नेम है पार्शियल का ये पास कर देते हैं। ठीक, चलिए अगर मॉडल पास करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। पहले मैं इसको अभी कमेंट मार देता हूँ पहले वाले को, Ctrl+KC। ठीक है, @html.renderPartial ये, और इसे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में रखना है मुझे। तो ये मैं और सेमी कॉलन का यूज करना है और मॉडल मॉडल, राइट? सेव करते हैं और देखते हैं। तो भी आ गया रजिस्टर, यस
एंड लॉग इन, ये मेरा पार्सल यू था, एक ही पार्सल यू में रजिस्टर और लॉग इन आ गया, राइट। तो अगर मॉडल, यहाँ मैंने मॉडल पास किया है तो मॉडल का यूज नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा। चलिए दूसरा कौन सा है, @HTML.RenderAction। ओके सो रेंडर एक्शन, और रेंडर एक्शन में क्या होता है, एक तो मेथड नेम, कंट्रोलर नेम एंड देख लेते हैं क्या होता है, मेथड नेम, कंट्रोलर नेम और मॉडल का नेम। ओके प्रेजेंटली हम लोग अभी मॉडल का यूज नहीं कर रहे, फिर भी चलिए डाल देते हैं मॉडल। ओके कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और ये जो लॉगिन पर्सन है वो यहाँ डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। @HTML.RenderAction, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देना है आपको ये, और यहाँ पे सेमी कॉलन ये, राइट। चलिए चलते हैं देखते हैं क्या होता है, इसको भी मैं कमेंट मार देता हूँ ताकि अभी जो कोड किया है वो मैं देख पाऊँ। तो मैं ये सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश मार देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर, यहाँ पे एरर आ गई। क्या कह रहा है एरर में, एरर एग्जीक्यूटिंग चार रिक्वेस्ट फॉर हैंडलर सिस्टम डॉट HTML। ओके है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोल से। ओके तो मैं एक एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ और इसे कॉल कर देता हूँ। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और सपोज इसका नाम दे देते हैं शो एम्प्लॉय। ओके एंड इसमें मैं रिटर्न व्यू दे देता हूँ, लेकिन रिटर्न व्यू में क्या करना है, पार्शियल व्यू। तो रिटर्न पार्शियल व्यू, और इसमें मैं पास कर दूंगा पार्शियल का नाम, पार्शियल का नाम क्या है, लॉग इन पार्शियल। सो लॉग इन पार्शियल, ओके। और इसी मेथड का नेम जो है मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ रेंडर एक्शन मेथड में, ओके ताकि ये वहाँ पे पार्शियल को डिस्प्ले कर दे। तो लेट्स सेव दिस एंड रन अगेन, चुका है और आप देख रहे हैं ये पार्शियल व्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो रेंडर एक्शन में हमें कंट्रोलर साइड मेथड क्रिएट करना है और उसी मेथड का नाम हमें पास करवाना है रेंडर एक्शन की फॉर्मूला में। ओके चलिए ये हो गया, अभी ये तो बात हो गई, ये जो पार्शियल व्यू था ये शेयर फोल्डर में था, तो इसका यूज हम सभी व्यूज में कर लिया, ठीक है। और दूसरा तरीका है, पार्शियल व्यू अगर हम क्रिएट करते हैं हमारे अपने फोल्डर में, जैसे कि ये एम्प्लॉय का कंट्रोलर है, और जब इसका कोई भी व्यू क्रिएट करते हैं तो एम्प्लॉय के फोल्डर के व्यू में ऐड होता है। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे मैं पार्शियल व्यू क्रिएट करता हूँ, ओके एम्प्लॉय के फोल्डर, व्यू के फोल्डर में अगर यहाँ मैं पास करता हूँ व्यू शेयर, यहाँ पे मैं पार्शियल व्यू बनाता हूँ, तो क्रिएट ए पार्शियल व्यू पे क्लिक मारना है, और सपोज मैंने नाम दे दिया पार्शियल वन, ठीक है ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं इस पार्शियल में सपोज कुछ लिख देता हूँ, डिवीजन क्लास इक्वल टू जंबोट्रॉन, ओके एंड यहाँ पे मैं लेबल दे देता हूँ H2IN in partial1, ओके। और अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे या तो इसका मैं सपोज मैं ये पहला वाला यूज़ करता हूँ, ओके अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, कंट्रोल KC कमेंट मार देता हूँ और ये वाला चालू करता हूँ,
और जो मैंने व्यू साइड एम्प्लॉय के फोल्डर में अभी पार्शियली बनाया है उसे कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पार्शियल वन उसका नाम मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉल हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे मैंने कमेंट मार दिए, केवल एक ही चालू रखा है। आ चुका है पार्शियल वन, राइट। अगर इसको मैं पाथ दे दूं तो भी ये काम करेगा, जैसे कि व्यूज के फोल्डर में एम्प्लॉय का फोल्डर है और उसके अंदर ये पार्शियल व्यू है, तो पार्शियल वन, ओके। और इसको मैं रन करता हूँ, अगर आप पाथ भी डालेंगे तो भी ये काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट आर, पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये दिख गया। कंटिन्यूस, ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम लगाना रह गया है, इसलिए ये रन नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। तो ये रन हो चुका है, ओके। अब देखते हैं सेकंड मेथड में, इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे लॉग इन पार्शियल की जगह मुझे अगर अभी जो मैंने व्यू बनाया है एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर पार्शियल वन उसे अगर डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, पार्शियल वन, ओके। और मॉडल इसी तरह थर्ड वाले के लिए भी मैं कर देता हूँ ताकि एक ही साथ सारे डिस्प्ले हो सके। थर्ड वाले में रेंडर एक्शन में क्या करना पड़ेगा, शो एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं पार्शियल व्यू का नाम चेंज कर देता हूँ, तो एक बार मुझे ये डिबगिंग स्टॉप करना पड़ेगा, पार्शियल वन, ओके। और इसे सेव कर देता हूँ, इंडेक्स में जाता हूँ, रेंडर एक्शन विज शो एम्प्लॉय, क्योंकि सेम मेथड में सेम नेम के मेथड में पार्शियल वन मैंने डिक्लेयर किया है, तो ये भी रन हो जाएगा। अभी तीनों मुझे देखने चाहिए, पार्शियल व्यू पार्शियल वन तीनों एक्शन में मुझे दिखने चाहिए, तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से। तो मित्रों प्रोग्राम रन हो चुका है और तीनों पार्शियल व्यू में तीनों एक्शन का यूज करके मैंने क्रिएट कर दिया है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्शियल व्यू, ओके। तो आप शेयर फोल्डर में भी यूज कर सकते हैं, आपके खुद के कंट्रोलर के फोल्डर में भी यूज कर सकते हैं, इसका तीनों टेक्निक मैंने यूज करके दिखा दी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज करके ये वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।